हेलो बीएल लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है बोर्डिंग हाउस। आज मैं इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट हमारे फर्स्ट लीड सियोल से होती है। हम देखते हैं वो अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो अपनी मॉम से एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुमने अपने सारे के सारे डिपॉजिट वाले पैसे तो खो दिए, और रही बात, तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया है, और यहाँ तक कि तुम्हें ट्रांसलेटर की जॉब कर रहे हो या नहीं ये मुझे बताओ। सियोल कहता है वो ट्रांसलेटर की पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो प्लीज आप मुझे अब इस बोर्डिंग हाउस में रहने दीजिए। उसकी मॉम कहती है कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, तो चलो ठीक है, तुम रह लो इस बोर्डिंग हाउस में। वो फिर सियोल कहता है तो उसके जो बाकी के पैसे थे वो उसे देने हैं या नहीं। उसकी मॉम कहती है क्यों नहीं देने, क्योंकि तुमने मुझसे वो लिए हैं, रही बात, उन्हें तुम 3 साल के अंदर दे देना। उसके एक्सचेंज में तुम्हें मेरे घर का यानी बोर्डिंग हाउस का ध्यान रखना होगा, और इसके अंदर जितने भी मेंबर है उनकी भी ध्यान से ध्यान रखना। ये कहकर उसकी मॉम फिर उससे वीडियो कॉल पे बात करती है। वो उसे कहती है कि आज वो ट्रिप के लिए बाहर जा रही है, तो काफी टाइम बाद आएंगी, तो और आज एक नया मेंबर भी उस घर में आएगा, उस वो काफी ज्यादा हैंडसम है, वो उसे बताती है, और फिर कॉल कट करके दोनों फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं। इसके बाद हम सियोल को घर को देखते हुए देखते हैं। वो देख ही रहा होता है, वो जैसे ही पीछे मुड़ता है एक लड़का उसके सामने आ जाता है, तो उसे देखकर डर जाता है, और ये इसका नाम जेवू है। हम देखते हैं सियोल उसे अच्छे से जानता है, तो उससे कहता है कि तुम इतने बड़े कब हुए, और उसे गले मिलने ही वाला होता है, लेकिन नाम जेवू उसे कहता है ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, और रही बात, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला आंटी से, और उसका मजाक बनाता है। सियोल कहता है तुम्हें सबसे पहली बात यही कहनी थी क्या, तो यहाँ पर सियोल कहता है अब तो हम दोनों इस घर में साथ में रहेंगे, तो क्यों ना हम एक दूसरे के हेल्प करें। जिस पे नाम जेवू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये ध्यान से सुन लो, मेरी मॉम भी उतना ही अमाउंट पे कर रही है जितना तुम्हारी मॉम कर रही है, तो मैं यहाँ पर एक से गेस्ट हूँ, और इस गेस्ट हाउस के ओनर तुम हो, यानी इस बोर्डिंग हाउस में तुम्हें सब कुछ देखना होगा, मुझे नहीं, और ये फैमिली वाला इशू यहाँ मत देख कर आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सियोल को थोड़ा काफी गुस्सा आता है। इसके बाद सियोल अपना बैग उठाने ही लगता है, लेकिन उसका बैग वहीं खुलकर उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो इस चीज से परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक और लड़का आता है। वो इसी घर का एक मेंबर होता है। हम देखते हैं उसका नाम वांग यूमिन होता है। वो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ शोर शराबा मत करना। अब इस पे सियोल अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगता है। वांग यूमिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम सियोल है, और हाँ तुम्हारे पैसे सारे के सारे चोरी हो गए, और यहाँ तक कि तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया। अब ये सब सुनकर सियोल को एम्बेरसिंग फीलिंग लगता है। वांग यूमिन कहता है वो अपनी राइटर बनने का सपना पूरा करने आया है, तो उसे शोर शराबा पसंद नहीं, वो क्योंकि दिन भर लिखता रहता है। अब ये कहकर सियोल कहता है अच्छा तो ठीक है, वो चुप रहेगा। वांग यूमिन कहता है अपने पैरों तक की आवाज भी मत करना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम सियोल को देखते हैं जो कि घर की सफाई करना स्टार्ट करता है। वो साथ ही टीवी में न्यूज लगा के सुन रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है एक चोर सही घूम रहा है, तो वहां पर अपने घरों का ध्यान रखे, और उसकी फोटो भी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि इतने में वांग यूमिन पीछे से आता है, वो टीवी को बंद कर देता है। वो सियोल को वार्निंग देता है कि शोर मत करो। अब हम सियोल को घर का सारा काम करते हुए देखते हैं, लेकिन जब जब कोई भी काम करता है तो आवाज आने लगती है, और वहीं पर वांग यूमिन आकर उसे बार बार वार्निंग देने लगता है। अब इन सब चीजों से सियोल परेशान हो जाता है। फिर हम सियोल को काम करते हुए देखते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ चोर को घर के अंदर घुसते हुए देखते हैं, लेकिन उसके सामने वांग यूमिन आ जाता है। वांग यूमिन सोचता है ये एक नया टेंटेंट होगा, यानी एक नया रूममेट होगा, तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ नए हो, तो फिर वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ शोर मत करना। चोर उसे कहता है वो शोर नहीं करेगा। हम देखते हैं सियोल उसे ड्रेस देता है और उसके रूम में ले जाता है। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि आप रेस्ट करिए, मैं जब खाना बनेगा तो आपको बुला लूंगा। अब चोर काफी देर तक रेस्ट करता है, वो कराटे लेके सो रहा होता है। तभी वहां पर उसके रूम में वांग यूमिन आता है। वो उससे कहता है कि शोर मत करो, और उसे तेज से चिल्लाता है और कहता है कि आगे से शोर मत करना, और अगर तुम खराटे लेके सोते हो तो इन्हें अपने नाक में डाल लो। इसके बाद हम देखते हैं नाम जेवू को। हम देखते हैं कि वो सारा का सारा खाना खा लेता है जो कि सियोल ने सबके लिए बनाया होता है। हम देखते हैं सियोल उस चोर को अपने साथ लाता है उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि नाम जेवू ने सारा खाना खा लिया होता है। ये देखकर सियोल और उस चोर को काफी गुस्सा आता है। चोर कहता है कि तुमने सारा का सारा खाना खा लिया। सियोल कहता है मैं अभी आपके लिए कुछ बना देता हूँ। नाम जेवू उन दोनों को छुड़ा कर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं सियोल उस चोर को नूडल्स देता है खाने के लिए। ये देखकर चोर खुश हो जाता है
वो कहता है कि मैं थोड़ी देर रेस्टरूम में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आके खाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं नामजेबू ने वो भी खा लिया होता है। ये देखकर चोर चिढ़ जाता है। नामजेबू से कहता है मुझे माफ करना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। चोर इस बात से गुस्सा हो जाता है, वो उस लड़की नामजेबू पर काफी तेज चिल्लाता है। अब ये सुनकर वांगी वुमिन भी चिल्लाता है। अब यहाँ पर चोर को गुस्सा आ जाता है तो वो चाकू निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम सियोल, वांग्यूमिन और नामजेबू को ऊपर देखते हैं, जहाँ सियोल और वांग्यूमिन के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। वांग्यूमिन कहता है कि तुम्हारे से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा, इस घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। सियोल कहता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो। नामजेबू बड़े आराम से पॉपकॉर्न खाता है, तभी वो देखता है कि सामने से चोर आ रहा है चाकू लेकर। ये देखकर वो घबरा जाता है तो वो काफी तेज चिल्लाता है। अब ये तीनों घबरा जाते हैं। चोर उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खाने की, अब तुम्हारे पास जो भी हो मुझे दे दो, और उन पर अटैक करने लगता है। ये तीनों कैसे न कैसे बच के वहां से भाग जाते हैं। चोर भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। अब हम देखते हैं चोर की नजर सियोल पे पड़ती है, वो उस पे चाकू चलाने ही लगता है। कितने में हमारा साइकिल नीड किम वहां आकर उसे बचा लेता है और चोर को नीचे गिरा देता है। अब किम अपना हाथ सियोल की तरफ बढ़ाता है। सियोल समझ जाता है कि यही नया रूममेट है, और क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर होता है, और उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सियोल के मन में एक लड्डू फूट रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोर को पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है। अब चोर सबसे माफी मांगता है और वो कहता है कि ये घर काफी ज्यादा शांत था तो इस वजह से वो यहाँ चोरी करने आया। अब पुलिस चोर को लेके वहां से चली जाती है। तो हम देखते हैं सियोल और नामजेबू कहते हैं हाँ वैसे हमारा नेबरहुड से घर काफी ज्यादा शांत है, और वो सब वांग्यूमिन की तरफ ही इशारा करते हैं। अब वांग्यूमिन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और यहाँ पर वांग्यूमिन को पता होता है क्योंकि उस हमेशा शांत होने के लिए कहता रहता है और वो शोर शराबा पसंद नहीं करता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना।